वेलकम बैक टू माय चैनल आई एम सना। तो आज मैं कोई DIY, कोई ब्लॉग, कोई चैलेंज लेकर नहीं आई हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ सुशांत सिंह राजपूत, जिनकी डेथ हुई है, सुसाइड डेथ। तो बहुत ही सैड न्यूज़ है हम सबके लिए। वो पटना के रहने वाले थे, जहाँ मैं रहती हूँ, पटना के रहने वाले थे, राजीव नगर के। मैं उस कॉलोनी में गई हूँ, बट मुझे पता नहीं था कि वो उस कॉलोनी में रहते हैं। एंड सीरियसली गाइस, बहुत ज़्यादा हर्ट, एकदम शॉकिंग न्यूज़ है कि एकदम से वो बहुत कोई अगर अपने एज पर डेट करते हैं, जितने भी बॉलीवुड है, जैसे कि ऋषि कपूर जी अपने एज पे डेट की तो उतना नहीं हुआ, लेकिन ये सुशांत सिंह राजपूत अभी सिंगल थे, अभी उन्होंने जस्ट अचीवमेंट उनको मिली थी गाइस, मतलब अभी जस्ट उनको पॉपुलेशन मिली थी, सब कुछ था उनके पास, पैसा, शोहरत, सब कुछ था, फिर भी क्यों सुसाइड उन्होंने किया। वो 6 मंथ से डिप्रेशन में थे गाइस। डिप्रेशन बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी। लोग डिप्रेशन को ना सीरियसली नहीं लेते, लोग समझते हैं कि नहीं डिप्रेशन है, ऐसे नॉर्मल हम लोग भी बोलते हैं कि गाइस मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझे टेंशन है, लेकिन ऐसे नहीं बोलना चाहिए। डिप्रेशन का मतलब आप लोग जानते हो क्या होता है। डिप्रेशन में क्या होता है ना कि लोग अपने दिल की बात ना शेयर नहीं करते हैं, इसीलिए डिप्रेशन होता है। अपने जो भी दिल में चल रहा है, दर्द है, जो भी परेशानी है, लोग अपने दिल में रखते हैं, तो उससे ना डिप्रेशन बहुत जल्दी डिप्रेशन हो जाता है इंसान को। और ये मैं पर्सनली, मुझे पता है इसलिए मैं बता रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, उनको 6 मंथ से डिप्रेशन था, और डिप्रेशन से ही हो सकता है उन्होंने सुसाइड कर लिया हो। 4 मंथ पहले, कुछ दिन पहले, उनकी मैनेजर, सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर का डेट हुआ था। अब आई डोंट नो कि क्या है, मतलब कि कुछ दिन पहले उनकी मैनेजर का डेथ हो गया। वो अपने 3rd फ्लोर से कि 4th फ्लोर से एक पार्टी में पार्टी कर रही थी, तो वो नशे की हालत में थी, वो गिर गई, और फिर आज ये हुआ है, सुशांत सिंह राजपूत का डेथ हो गया। बहुत ही दुखनीय है वो, बहुत ही, मतलब वो इंजीनियरिंग कॉलेज में 3rd ईयर के स्टूडेंट थे, और 3rd ईयर के बाद से ही उनको दिमाग में आया कि नहीं मुझे एक्टिंग में जाना है। मुझे उनका बहुत ज़्यादा क्रश था एक्टिंग में, तो उन्होंने एक्टिंग में गए, उनका जो सपना था उन्होंने पूरा किया। उनका कहना था कि सपना देखो, सपना पूरा होता है, सपने को कभी ये मत कहो कि नहीं सपना पूरा नहीं होता। उन्होंने जो देखा उन्होंने पाया, लेकिन उनका बहुत और कुछ भी सपना था जो वो छोड़ के चले गए। बहुत ज़्यादा हार्ट होता है गाइज। वो बहुत अच्छे एक्टर थे, बहुत ही अच्छे एक्टर थे। एंड गाइज, उनकी नवंबर में, शायद मे भी न्यूज़ में आ रहा था कि नवंबर में उनकी शादी होने वाली थी, एंड अब कुछ भी नहीं हो सकता गाइज। बहुत ज़्यादा हार्ट तो लगता ही है, आप सब जानते हो यार। और वो मेन ही सबसे बड़ी पटना के रहने वाले थे, जहाँ मैं रहती थी यार। काश मैं उनसे मिल पाती, बट ये तो पॉसिबल नहीं होता है यार, जो स्टार बन जाते हैं वो पॉसिबल नहीं होता है। बट बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, बहुत अच्छे एक्टर थे, बहुत अच्छे कलाकार थे। आप उनके सारे फिल्म देख सकते हैं, कॉमेडी, और मेन उन्होंने लास्ट फिल्म में बोला था, चाहे कितनी भी बड़ी सिचुएशन आ जाए, कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन सुसाइड नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने खुद ऐसा कर लिया। वाई आई डोंट। तो गाइस, मैं यही आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए यहाँ पर आई कि पता नहीं क्या हो गया, आप सब जानते ही हो अब क्या क्या सकता है, अब जो हो गया वो हो गया बस। तो गाइस, मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ।